हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई स्टिचिंग का वीडियो नहीं बल्कि एक डीआईवाई वीडियो लेके आई हूँ। आपको अच्छे लग रहे हैं ये टी कोस्टर्स? तो चलिए वीडियो में देखते हैं मैंने इन्हें कैसे बनाया। इजी एंड सिंपल हैंड पेंटेड टी कोस्टर। यहाँ पे मेरे पास ये स्क्वायर शेप में चार का टी कोस्टर सेट है जो कि ब्राइट येलो में है, इसका कलर पुराना वाला, और इसीलिए मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का बेस कोट कर रही हूँ ताकि जब मैं न्यू कलर्स करूँ तो अच्छे से पॉप होके आए। और यहाँ पे मैं कलर करने के लिए चॉक पेंस का यूज़ कर रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चॉक पेंस यूज़ करो, आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको जेसो अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप एक्रेलिक कलर करें, वरना वो ईजिली पील ऑफ होकर निकल आता है। उसके बाद मैं इन चारों को ही कलर कर लूँगी बेस कोट से आगे और पीछे और सूखने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे हमारा जो बेस कोट है वो सूख चुका है। अब मैं यहाँ पे एक एक्वा कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं चारों पोस्टर्स पे अलग अलग कलर करूँगी, तो पहले इन्हें अप्लाई कर लेंगे और मैं चेक करूँगी कि सिंगल कोट होगा या नहीं होगा। अगर सिंगल कोट लगाने के बाद भी अच्छे से ब्राइट नहीं हुआ तो मैं और डबल कोट लगाऊँगी। और यहाँ पर मैं सिर्फ इस एक्वा कलर वाले टी कोस्टर्स पे ही थोड़ा सा येलो कलर से इस तरीके से एक जो ड्यूअल शेडिंग वाला इफेक्ट होता है ना, वो देने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी सब मैं सिंगल सिंगल कलर रखूँगी, बस ये एक्वा कलर पे ही मुझे थोड़ा सा करने का मन किया तो मैं ये कर ले रही हूँ। और चारों को अच्छे से सूखने देना है जब कलर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो चारों टी कोस्टर्स है वो अच्छे से कलर्स हो चुके हैं, मैंने चारों पे अलग अलग कलर्स कर दिया है और अच्छे से सूख भी गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे पेंसिल से डिज़ाइंस बना लेने हैं इनको ऊपर। और जो हमारा जो ब्लैक और एक्वा कलर था वो ज़्यादा कोटिंग नहीं लगे, लेकिन लाइट कलर्स में हम मुझे दो दो कोटिंग करना पड़ा। तो अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर एक एक बार में नहीं हुआ तो हम इसे भी डबल कोट कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपली बन जाता है, बस पेंटिंग करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। पेंटिंग करने से बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बीच का जो फ्लावर है वो बना दिया है वाइट कलर में। अब मैं थोड़ा अलग अलग कलर्स का ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने लाइट येलो कलर ले लिया है, कलर तो येलो है बट कैमरा पे इतना पिक नहीं हो रहा है कलर, और वाइट ही लग रहा है, लेकिन बाहर में ये प्रॉपर येलो दिख रहा है। तो इसे भी मैं इस तरीके से बना लेती हूँ।
अगर ये एक कोटिंग में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम सेकंड कोटिंग भी इस पर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अब एक्वा कलर यूज़ कर रही हूँ, और है तो छोटी सी चीज़ टिक कोस्टर सेट, लेकिन खुद के हाथ से बनाए हुए चीज़ों का खुशी ही अलग होता है ना फ्रेंड्स। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नहीं तो कुछ और स्टाइल में, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकियों पे भी इसी तरीके से पेंट कर लूँगी, लेकिन मैं बाकी सारों पे ब्लैक कलर से लिखूँगी, जो भी और जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो देख के सिर्फ चले मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे किस तरीके के वीडियोज़ देखने हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ पे मैंने ये जो एक्वा कलर है, इसके ऊपर मैंने ये चाय के चुस्की बोल के लिखा है, और पता नहीं ऐसे ही बस मन किया तो मैंने ये वाला लिख दिया है। और इसे भी मैं अच्छे से सूखने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने सारों को इस तरीके से कर लिया है, क्यूट लग रहे हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। अब बारी आती है वार्निश करने की इनके ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे वार्निश है, तो मैं वार्निश लगा देती हूँ इनके ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैट फिनिश में वार्निश है, और अगर हम इसे लगा देंगे तो कभी भी चाय वगैरह गिर जाती है तो हम आराम से इसे गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, तो कुछ भी ये डैमेज नहीं होगा। डायरेक्ट पानी में मत धोइएगा, क्योंकि ये MDF मटेरियल है। आप अगर कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, वरना ये MDF मटेरियल तो फूलेगा ही कितना भी हम वार्निश लगा ले पानी में। तो इस तरीके से एक कोट कर लूँगी, और सेकंड कोट भी मैं करूँगी ताकि और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन जाए इसका जो वार्निश है। तो सेकंड कोट करने से पहले मैं पूरे एक दिन इसको सूखने दूँगी, तो सब पे ही इसी तरीके से, और पैक में भी कर लूँगी। तो इसी तरीके से मेरे सारे कोस्टर्स रेडी हो चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। तो आपको इन चारों में से कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा मत। तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती की है कि मैंने जो ये पेंसिल के मार्क्स थे वो इरेज नहीं किया है, उसके ऊपर ही मैंने वार्निश लगा दिया। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना ये कभी भी इरेज नहीं होंगे। तो आप पहले इरेज करके उसके बाद ही वार्निश लगाइए। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल करके यहाँ पे आउटलाइन बनाना चाहती हूँ। ये जो 3D कोन लाइनर होता है, उससे ग्लिटर वाला होता है, ये गोल्ड कलर में मैंने ले लिया है, ताकि जब हम ऐसे रखें तो अच्छे से दिखे। ये इस तरीके से सिंपली इसके ऊपर से ये बना लेने हैं, और कुछ नहीं। अभी तो ये ग्लू है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा तो ग्लिटर अच्छे से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।